आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य तेलों में जहां पिछले सप्ताह गिरावट देखने को मिली, वहीं इस हफ्ते भी गिरावट भरा माहौल देखने को मिला। बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन तेल, तिलन और पामोलिन तेल कीमतों में दरअसल गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजारों में खाने के तेलों के भाव टूटने के चलते देश भर में खाने का तेल सस्ता हुआ है। साथ ही शुक्रवार को सरकार ने सीपीओ के आयात शुल्क मूल्य में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कमी की थी। वहीं विदेशी बाजार में खाद्य तेलों के भाव टूटने के बीच देश भर के तेल तिलन बाजारों में बीते सप्ताह से लेकर इस सप्ताह तक गिरावट देखने को मिली। वहीं मूंगफली और कच्चे पाम तेल के भाव में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला, जबकि बाकी तेल तिलनों के भाव में कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा। वहीं बाजार सूत्रों की माने तो विदेशों में खाद्य तेलों का बाजार काफी टूट चुका है, जो कि गिरावट का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इस गिरावट की वजह से देश में आयातकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस भाव पर सौदे खरीदे थे अब उससे कम भाव पर बेचने पड़ रहे हैं। उन्होंने जिस सीपीओ का आयात $2,040 प्रति टन के भाव पर किया था, उसकी अगस्त खेप का मौजूदा भाव घटकर $1,000 प्रति टन रह गया है। यानी थोक में सीपीओ 86.50 रुपए किलो होगा, यानी 86.5 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं लाखों टन सीपीओ तेल आयात होने की प्रक्रिया में है अभी फिलहाल। दूसरी ओर सरसों का इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 5,050 रुपए क्विंटल था, जो अगली बिजाई के समय 200-300 रुपए क्विंटल के बीच बढ़ने का अनुमान है। उस हिसाब से सरसों तेल का थोक भाव आगामी फसल के बाद लगभग 125 से 130 रुपए किलो रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जब बाजार में सीपीओ तेल लगभग 86.5 रुपए किलो होगा, तो 125 से 130 रुपए में सरसों की खपत कहां होगी। वहीं अब माना जा रहा है कि तेल तिलन में आत्मनिर्भर होने के बजाय देश आयात पर ही निर्भर होता दिखाई दे रहा है। देश के प्रमुख तेल तिलन संगठनों को सरकार से खाद्य तेलों का शुल्क मुक्त आयात करने की मांग करने की बजाय उचित सलाह देकर तेल तिलन उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता पाने की ओर प्रेरित करना चाहिए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे समय समय पर सरकार को बताएं कि कौन सा फैसला देश के तेल तिलन उत्पादकों के हित में है और कौन सा फैसला उनके नुकसान में होगा। फिलहाल शुक्रवार को सरकार ने सीपीओ के आयात शुल्क में 100 रुपए क्विंटल की कमी की, जबकि सोयाबीन डीगम का आयात शुल्क मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल तो पामोलिन तेल का आयात शुल्क मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल कम किया। जानकारों का कहना है कि एक तरफ आयात शुल्क मूल्य घटाया जा रहा है, वहीं विदेशों में तेल तिलन का बाजार टूट रहा है। ये सारी स्थितियां देश को पूरी तरह आयात पर निर्भरता की ओर ले जा रही हैं। सोयाबीन में आई गिरावट के कारण पामोलिन तेल के भाव भी टूट गए। वहीं सीपीओ के कारोबार में सिर्फ भाव ही है, कोई सौदे नहीं हो रहे, क्योंकि आयातकों के खरीद भाव के मुकाबले दाम आधे से भी कम चल रहे हैं। ऐसे में नमकीन बनाने वाली कंपनियां और गुजरात में बिनोला कारोबार के लगभग समाप्त होने के बाद अब मूंगफली की मांग निकलती दिखाई दी है, जिससे मूंगफली तेल तिलन कीमतों में फिलहाल सुधार देखने को मिला है। विदेशों में भाव टूटने से सोयाबीन तेल तिलन कीमतों में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है, जबकि बिनोला तेल का भाव पिछले सप्ताह के स्तर पर वैसा ही दिखने को मिला। हालांकि इसमें कारोबार लगभग समाप्त होता दिखाई दिया है। व्यापारियों का कहना है कि आयातक और तेल उद्योग पहले से भारी नुकसान के रास्ते पर हैं। ऐसे में सरकार को अपना हर कदम फूंक फूंक के उठाना होगा। पिछले दिनों सरकार के निर्देश और खुदरा तेल कारोबारियों के आश्वासन के बावजूद अधिकतम खुदरा मूल्य में कितनी कमी हुई है, इस बारे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को भी अभी फिलहाल मिलता दिखाई नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।